नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 19 मार्च। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। उत्तर बिहार के कई जिलों में अगले 3 दिनों तक छाए रह सकते हैं बादल। बिहार पंचायत चुनाव को लेकर सीमावर्ती क्षेत्र में पुलिस ने बढ़ाई चौकसी। बिहार बोर्ड डीएलएड विशेष परीक्षा का शेड्यूल हुआ जारी। बिहार लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षा टली। लोकायुक्त के पास झूठी शिकायत करने वालों की अब खैर नहीं। अब खबरें विस्तार से। बिहार में कोरोना की स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री 21 को सभी जिलों के डीएम से करेंगे बातचीत। बिहार में कोरोना की स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है, मगर सरकार अपनी तरफ से एहतियाती कदम उठाने की जुगत में अभी से ही जुट गई है। इसी क्रम में अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जहां तक एक तरफ बिहार में लॉकडाउन की आशंकाओं को दरकिनार किया है, वहीं सभी जिलों का हाल और कोरोना को लेकर की जा रही तैयारी पर 21 मार्च को सभी जिलों के डीएम के साथ बैठक करने वाले हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री सभी जिलों से कोरोना संक्रमण पर विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे, तब जरूरत के मुताबिक कोई नया निर्देश जारी किया जा सकता है। इसके साथ ही होली में भी कोरोना को ध्यान में रखते हुए एहतियाती कदम उठाए जाने की बात कही गई है। केरल कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन KCMMF को जी कोड केरल ने निकाले रख दिया। केरल कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन ने तकनीकी ग्रेड 2, तकनीशियन ग्रेड 2, तकनीशियन ग्रेड 2 MRAC, सहायक ग्रेड 3 के कुल मिलाकर 99 पदों पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो प्रथम श्रेणी के साथ जूनियर असिस्टेंट के लिए BCOM, तकनीकी ग्रेड 2 इलेक्ट्रीशियन और तकनीशियन ग्रेड 2 इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए मैट्रिकुलेशन और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में ITI सर्टिफिकेट, तकनीशियन ग्रेड 2 MRAC के लिए मैट्रिक और MRI ट्रेड में ITI, सहायक ग्रेड 3 के लिए मैट्रिकुलेशन की योग्यता रखने वाले उम्मीदवार इन पदों के लिए अंतिम तारीख 25 मार्च 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट MILMA.com पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेबलिंक पर जाकर ले सकते हैं। सदन की कार्रवाई देखने विधान परिषद पहुंची स्कूली छात्राएं। बिहार विधान परिषद में बीते दिन बड़ी संख्या में स्कूली छात्राओं ने सदन की कार्रवाई लाइव देखी। जानकारों की माने तो विधान परिषद की कार्रवाई का पहला हिस्सा बेहद ही शांतिपूर्ण देखने को मिला और बच्चियों के लिए यह बेहतरीन अनुभव भी रहा। छात्राओं ने बताया है कि उन्हें कार्रवाई देखकर बहुत अच्छा लगा और उनके प्रैक्टिकल नॉलेज में इजाफा हुआ है। वहीं इस मौके पर कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह ने कहा कि बच्चे हमारे लोकतंत्र के एक अहम भाग से रूबरू हो रहे हैं, यह बेहद खुशी की बात है। जमीन का दाखिल खारिज समय पर नहीं करने वाले अधिकारियों पर अब होगी कार्रवाई। बिहार विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान बीते दिन जमीन म्यूटेशन का मामला एक बार फिर उठाया गया, जिसके तहत अफसरों की तरफ से की जा रही गड़बड़ियों को लेकर सरकार से सवाल भी पूछे गए, जिसके तहत ही राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने कहा कि अब तक म्यूटेशन की 46 लाख आवेदन आए हैं, इनमें करीब 77% आवेदन को निपटा लिया गया है। उन्होंने कहा है कि सरकार अब इस कोशिश में है कि सभी आवेदन को समय से निपटा लिया जाए। विभाग ऐसा नियम बना रहा है, ऐसे में आवेदन का निपटारा नहीं करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई हो, इसको लेकर नियम कानून बनाने की तैयारी की जा रही है। जल्द ही इस पर नियंत्रण होगा और लोगों की जमीन का समय से दाखिल खारिज हो सकेगा। बिहार पंचायत चुनाव को लेकर सीमावर्ती क्षेत्रों में पुलिस चौकस। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर जोर शोर से तैयारी की जा रही है। हालांकि अब तक चुनाव की तारीख की घोषणा तो नहीं हुई है, मगर अभी से ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। इसी क्रम में झारखंड के गोड्डा जिले के समाहरणालय सभागार में DC भोर सिंह यादव की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन करवाया गया था, जिसके तहत झारखंड और बिहार के सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध शराब के कारोबार को रोकने और विधि व्यवस्था को लेकर विचार विमर्श किया गया। इतना ही नहीं, इस दौरान बिहार में शांतिपूर्ण पंचायत चुनाव को लेकर सीमावर्ती इलाकों में अपराध एवं कानून व्यवस्था पर पैनी नजर रखने पर जोर दिया गया है। बिहार बोर्ड DLED विशेष परीक्षा अगले महीने। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने DLED विशेष परीक्षा 2020 का परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने इस बात की जानकारी साझा की और बताया है कि DLED विशेष परीक्षा का आयोजन 6 से 10 अप्रैल तक 2 पालियों में पटना जिले के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होने वाला है। प्रथम पाली की परीक्षा 10 बजे से 1 बजे तक और द्वितीय पाली की परीक्षा 2 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा का एडमिट कार्ड 24 मार्च से आप डाउनलोड कर सकते हैं। होली पर फ्लाइट से घर आने वालों के लिए खुशखबरी। होली के मौके पर बिहार वासियों को बड़ी सौगात मिली है, जिसके तहत अब बिहार आने वालों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यात्रियों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए ही होली के मौके पर 28 मार्च से दरभंगा गया एयरपोर्ट से नए रूटों पर विमान सेवा की शुरुआत की गई है। गया एयरपोर्ट से जहां एयर इंडिया की दिल्ली गया वाराणसी विमान शुरू हो जाएगी, वहीं दरभंगा एयरपोर्ट से कोलकाता हैदराबाद और पुणे के लिए सीधी उड़ान सेवा की शुरुआत होने जा रही है। जानकारी के अनुसार एयर इंडिया ने गया से सप्ताह में 4 दिन मंगलवार गुरुवार
बुधवार, शनिवार और रविवार को यह सेवा आगामी 30 अक्टूबर तक के लिए बहाल की है। इसके लिए टिकट की बुकिंग भी जारी है। मधुबनी के नौलखा महल में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। नौलखा महल का निर्माण मधुबनी जिले के राजनगर में 17वीं शताब्दी में हुआ था। कहा जाता है कि इस महल और भव्य मंदिर को बनवाने के लिए महाराजा रामेश्वर सिंह ने 17वीं शताब्दी में 9 लाख चांदी के सिक्के खर्च किए थे, इसलिए इस महल का नाम नौलखा मंदिर पड़ा। इस महल का मुख्य आकर्षण महल का हाथी पर बनाया जाना है। पूरा महल हाथी के आकार के विशाल पिलर पर बना हुआ है। जहां जहां भी पिलर की जरूरत थी वहां वहां विशाल हाथी बनाया गया और उसके ऊपर पूरी महल का एक भव्य रूप देकर निर्माण करवाया गया है। 1934 में आए भूकंप में यह महल बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके बाद दरभंगा राज के 22वें महाराज कामेश्वर सिंह ने पुनः इसे संवारा, लेकिन 1988 में आए भयंकर भूकंप में यह महल फिर से ध्वस्त हो गया। कोरोना के रोकथाम के लिए पंचायतों में की जाएगी खास व्यवस्था। दूसरे राज्यों में कोरोना के बढ़ रहे मामलों को ध्यान में रखते हुए अब पंचायतों में भी विशेष तैयारी की जा रही है, जिसके तहत स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने राज्य के सभी प्रमंडलीय आयुक्त, जिलाधिकारियों और सिविल सर्जनों को दिशा निर्देश जारी कर दिया है कि अन्य राज्यों से आने वाले लोगों की जांच कई स्तर पर करवाई जाए। जिलों को निर्देश दे दिया गया है कि जिन पंचायतों में भारी संख्या में दूसरे राज्यों से यात्री आए हैं, उन पंचायतों में माइक से कोविड-19 की जांच की अपील की जाए, साथ ही उनकी आरटीपीसीआर जांच के लिए सैंपल लेने की व्यवस्था भी की जाए। इसमें स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों और पंचायत प्रतिनिधियों की मदद ली जाएगी। अगले महीने से बिहार में नए सत्र की पढ़ाई की होगी शुरुआत। निजी स्कूल में नए सत्र 2021-22 की पढ़ाई अगले महीने से शुरू होने वाली है। इसको लेकर बिहार के लगभग सभी स्कूल ने तैयारी कर ली है। इतना ही नहीं, ये भी साफ कर दिया गया है कि कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थियों की कक्षाएं पहले की तरह ही जारी रहने वाली है। इतना ही नहीं, ये भी साफ किया गया है कि जिन स्कूलों ने कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों की कक्षा शुरू की है वो भी अप्रैल के पहले सप्ताह से इनकी पढ़ाई शुरू करवाने जा रहे हैं। हालांकि कई स्कूल कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए अभिभावकों की सहमति मांग रहे हैं, जिसके बाद अब अभिभावकों की सहमति के बाद ही छात्रों को स्कूल आने की अनुमति मिलने वाली है। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में गेस्ट लेक्चरर बनने का मिला मौका। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में 500 से अधिक पदों पर अतिथि व्याख्याताओं की नियुक्ति जल्द ही होने वाली है। विश्वविद्यालय की सीनेट ने साल 2018 में निकाले गए पदों और साक्षात्कार को रद्द कर दिया था, जिसमें कि आरक्षण रोस्टर में गड़बड़ी की बात कही गई थी, जिसके बाद ही अब सरकार की तरफ से रोस्टर क्लियर कर विश्वविद्यालय को भेजा गया है। अब नए सिरे से इसकी नियुक्ति प्रक्रिया आरंभ होगी, जिसके लिए आवेदन की प्रक्रिया बीते दिन से शुरू होने वाली है। अप्रैल अंत या फिर मई के पहले सप्ताह में इसका साक्षात्कार भी होगा। उन्होंने बताया है कि नियमित शिक्षकों की नियुक्ति होने के बाद अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति स्वतः खत्म हो जाएगी, जिसके लिए आवेदन की प्रक्रिया आज से शुरू होने वाली है। अप्रैल अंत या मई के पहले सप्ताह से इनका साक्षात्कार भी होगा। उन्होंने बताया है कि नियमित शिक्षकों की नियुक्ति होने के बाद अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति खत्म हो जाएगी। 2020 में सड़क दुर्घटनाओं से जान गंवाने वालों की संख्या में आई कमी। हाल ही में परिवहन मंत्री शीला मंडल ने बताया कि साल 2020 में 7.1% की कमी सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवाने वालों के आंकड़ों में आई है। उन्होंने बताया है कि सरकार ने 23.72 करोड़ रुपए स्पीडी रडार और अन्य उपकरणों के लिए भी पुलिस को दिया है। 46 ट्रॉमा सेंटर अधिसूचित किए गए हैं। आपको बता दें कि बीते दिन विधान परिषद में राजद के रामचंद्र पूर्वे ने पूछा कि राज्य में हर घंटे में एक व्यक्ति की जान सड़क दुर्घटना से जा रही है। 57% लोगों की जान एनएच पर गई है और इसके कारण का जाम होना और वाहनों को जलाया जाना आम बात हो गई है। दुर्घटना रोकने के लिए सरकार क्या उपाय करना चाहती है, इसके जवाब में ही उन्होंने यह आंकड़े पेश किए हैं। उत्तर बिहार के कई जिलों में अगले 3 दिनों तक छाए रह सकते हैं हल्के बादल। बिहार में पंखे एसी का इस्तेमाल अब शुरू हो गया है, यानी कि साफ तौर पर गर्मी का आगमन हो चुका है। हालांकि मौसम में अभी भी हल्के हल्के बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। इसी क्रम में तपती धूप के बीच उत्तर बिहार वासियों को आने वाले दिनों में गर्मी से थोड़ी राहत मिलने के आसार जताए गए हैं। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो उत्तर बिहार के लगभग सभी जिलों में अगले 3 दिनों तक बादल छाए रहने के आसार जताए गए हैं। हालांकि मौसम के शुष्क रहने का अनुमान है। पूर्वानुमानित अवधि में औसतन 9 से 12 डिग्री किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मुख्य रूप से पछुआ हवा चलने की संभावना है। मौसम के शुष्क रहने की संभावनाओं को देखते हुए किसान खड़ी फसलों में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करने की नसीहत भी किसानों को दे दी गई है। विधानसभा परिसर में महंगाई और अपराध को लेकर विपक्ष ने किया प्रदर्शन। विधानसभा सत्र के शुरुआत के साथ ही विपक्षी दलों का हंगामा देखने को हर दिन मिलता है। इसी क्रम में बीते दिन भी ऐसा ही नजारा विधानसभा के बाहर देखने को मिला, जब राजद विधायकों ने सदन शुरू होने से पहले ही विधानसभा के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन करते उन्हें देखा गया। मिली जानकारी के अनुसार राजद की तरफ से महंगाई और अपराध के मुद्दे को लेकर विधायकों ने जमकर विरोध नारे लगाए। इसके साथ ही खाद्य पदार्थों में इथेनॉल बनाने के निर्णय के विरोध में भी माले विधायकों ने विधानसभा परिसर में प्रदर्शन किया और सरकार विरोधी नारे लगाए।
बिहार के इंटेलिजेंस एजेंसी स्पेशल ब्रांच में होगी पुलिस कर्मियों की अलग भर्ती। बिहार पुलिस के माध्यम से किए जा रहे कामों में स्पेशल ब्रांच की भूमिका अहम मानी जा रही है, जिसको ध्यान में रखते हुए ही सभी जिलों में कुछ प्रशिक्षित पुलिस कर्मियों को स्पेशल ब्रांच में लाने का काम किया जाना है। पुलिस मुख्यालय के एडीजी जितेंद्र कुमार की माने तो अन्य केंद्रीय सिक्योरिटी एजेंसी की जैसे ही स्पेशल ब्रांच को भी जांच के लिए विशेषता दिलाई जा सके। स्पेशल ब्रांच बिहार का इंटेलिजेंस एजेंसी है, जिसे बिहार में पहली बार बिहार पुलिस में स्पेशल ब्रांच होगा। स्पेशल ब्रांच के लिए अलग से बहाली होगी और इसमें ज्वाइन करने वाले सिपाही और दरोगा यहीं से रिटायर होंगे। लोकायुक्त के पास झूठी शिकायत करने वाले जाएंगे अब सलाखों के पीछे। अब लोकायुक्त के सामने बिना मतलब के शिकायत दर्ज करवाने वालों की खैर नहीं है। लोकायुक्त के पास दर्ज शिकायत अगर गलत साबित हुई तो आवेदक को जेल जाना होगा, 5,000 रूपये तक जुर्माना भी देना होगा। इस बाबत बीते दिन विधानसभा में पेश एक विधेयक के जरिए झूठी शिकायत दर्ज करने वालों के खिलाफ जेल और जुर्माना का प्रावधान किया गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बीते दिन मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने सदन में बिहार लोकायुक्त संशोधन विधेयक 2021 पेश किया था। इस पर आए विपक्ष के संशोधन सदन ने खारिज करते हुए मूल विधेयक को ध्वनिमति से पारित कर दिया। सरकार बहाली में अनियमितता को लेकर 23 मार्च को भाकपा माले करेंगे महाधरना। माले के माने तो सरकारी बहाली में भ्रष्टाचार का मामला आए दिन सामने आ रहा है। सरकार की तरफ से 19 लाख रोजगार के वादे के बावजूद भी नौकरी देने में अब तक कोई सकारात्मक पहल देखने को नहीं मिली है। इन सभी मुद्दों को लेकर ही भाकपा माले ने 1 मार्च को विधानसभा मार्च निकाला था, वहीं अब एक बार फिर से 23 मार्च को महाधरना देने वाले हैं। इसको लेकर भाकपा माले की तरफ से रणनीति भी बना ली गई है। इसके साथ ही भाकपा माले ने कॉन्ट्रैक्ट पर हो रही बहाली को लेकर भी अपना बयान जारी किया है, जिसके भाकपा माले के विधायक ने कहा है कि बिहार में बहाली में भारी अनियमितता, भ्रष्टाचार और पेपर लीक व्याप्त है। सभी सरकारी क्षेत्र में पद रिक्त हैं, लेकिन सरकार भरने का काम नहीं कर रही है। एमएलसी चयन से नाराज मांझी ने साधा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना। राज्यपाल कोटे से मनोनीत सभी एमएलसी के नाम की घोषणा की गई थी, जिसके बाद ही सभी ने शपथ भी ग्रहण कर लिया। हालांकि एमएलसी मनोनयन को लेकर जीतन राम मांझी की खींच जाने का नाम नहीं ले रही है, जिसके तहत ही अब खुद बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निशाने पर लिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि एमएलसी चयन को लेकर जो भी हुआ वो सही नहीं था। नीतीश सरकार से इस मामले में बड़ी चूक हुई है। आमतौर पर सरकार से हर मुद्दे पर घटक दलों के साथ बातचीत की जाती है, लेकिन जब विधान परिषद के लिए एमएलसी सदस्यों के चयन की बात हुई तो हमें दरकिनार कर दिया गया। सरकार ने जो किया वो सही नहीं किया। बिहार सरकार के मुख्य सचेतक और उपनेता की हुई घोषणा। राज्यपाल कोटे से मनोनीत नए एमएलसी के बाद संजय कुमार सिंह और नवल किशोर यादव और देवेश चंद्र ठाकुर को नई जिम्मेदारी दी गई है, जिसके तहत संजय कुमार सिंह को बिहार विधान परिषद में सत्तारूढ़ दल का मुख्य सचेतक बनाया गया है। इसके अलावा विधान परिषद में एमएलसी नवल किशोर यादव और देवेश चंद्र ठाकुर को सत्तारूढ़ दल का उपनेता बनाया गया है, जिसकी घोषणा सभापति अवधेश नारायण सिंह ने की है। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से लिए गए बड़े निर्णय की जानकारी देते हुए सभापति ने बताया है कि डॉ दिलीप कुमार जायसवाल को सत्तारूढ़ दल का उप मुख्य सचेतक बनाया गया है। अब ग्रुप में मैसेज भेजने से पहले जरूर चेक करें अपना कंटेंट। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक ने हाल ही में बड़ा फैसला जारी किया है, जिसके तहत फेसबुक ने ग्रुप्स पर हानिकारक कंटेंट भेजने वालों के लिए नए नियम को लागू किया है, जिसके तहत ही फेसबुक ने ग्रुप्स पर हानिकारक कंटेंट भेजने वालों के लिए नए रूल्स बनाए हैं। फेसबुक अब उन ग्रुप को बंद कर देगा जो ग्रुप प्लेटफॉर्म से जुड़े निर्धारित नियमों को तोड़ेगा। कंपनी ग्रुप के उन मेंबर्स के खिलाफ भी कार्रवाई करेगी जो बार बार कंपनी के नियम तोड़ते हुए नजर आएंगे। फेसबुक ने एक ब्लॉग पोस्ट में यह भी कहा है कि यह लोगों के लिए संभावित हानिकारक ग्रुप्स सजेशन देना बंद कर देगा। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से अहम मानी जाती है। आजाद हिंद फौज ने 1944 में पूर्वोत्तर भारत में राष्ट्रीय ध्वज आज ही के दिन फहराया था। पहली बार एकेडमी अवार्ड का 1953 में प्रसारण टेलीविजन पर आज ही के दिन हुआ था। भारत और बांग्लादेश के बीच 1972 में मित्रता समझौते पर हस्ताक्षर आज ही के दिन हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी 1998 में दूसरी बार प्रधानमंत्री आज ही के दिन बने थे। डोन कूपर रॉय ने 2008 में मेघालय के नए मुख्यमंत्री के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ आज ही के दिन ली थी। भारतीय शिक्षाविद इंदु शाहनी का 1954 में जन्म आज ही के दिन हुआ था। भारतीय अभिनेत्री तनुश्री दत्ता का 1984 में जन्म आज ही के दिन हुआ था। साल 1890 में स्वामी दयानंद सरस्वती के शिष्य एवं आर्य समाज के 5 प्रमुख नेताओं में से एक पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी ने दुनिया को अलविदा आज ही के दिन कहा था।
केएल राहुल के फ्लॉप होने की वीवीएस लक्ष्मण ने बताई वजह। इंग्लैंड के खिलाफ खेली जा रही टी20 सीरीज में केएल राहुल के बल्लेबाजी फ्लॉप साबित हुई है। राहुल 3 मैचों में से 2 में तो बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए, जिसके बाद अब लोगों की नाराजगी भी केएल राहुल को लेकर देखने को मिलने लगी है। हालांकि टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली और बैटिंग कोच विक्रम राठौड़ ने राहुल का बचाव किया है और उनको इस फॉर्मेट का सबसे बेस्ट बल्लेबाज बताया है। इस बीच भारत के पूर्व बल्लेबाज वीवीएस लक्ष्मण ने कहा कि केएल राहुल अपने खराब फुटवर्क और बल्ले को बॉडी से दूर रखने के चलते लगातार फ्लॉप हो रहे हैं। लक्ष्मण ने बताया है कि राहुल की बल्लेबाजी में वो आत्मविश्वास और लय भी नजर नहीं आई है, जो अक्सर उनकी बल्लेबाजी में दिखाई देती है। चेहरे के ट्रेलर में दिखी रिया चक्रवर्ती। रूमी जाफरी की फिल्म चेहरे का ट्रेलर बाहर आ गया है। फिल्म अनाउंसमेंट के बाद से ही सुर्खियों में है। मूवी में अमिताभ बच्चन, इमरान हाशमी, क्रिस्टल डिसूजा के अलावा रिया भी अहम भूमिका में नजर आने वाली है। हालांकि बीते कई दिनों से लोग इस बात को लेकर परेशान थे कि रिया फिल्म में नजर आने वाली है या नहीं, मगर अब जो ट्रेलर जारी किया गया है इसमें रिया दिखाई दे रही है। ट्रेलर में अमिताभ बच्चन इंटेंस दिख रहे हैं और इमरान हाशमी की काफी तारीफ हो रही है। 2 मिनट 20 सेकंड के ट्रेलर में रिया चक्रवर्ती आपको कुछ ही सेकंड के लिए दिखेंगी। 2 मिनट 4 सेकंड पर इमरान हाशमी के साथ उनका एक सीन नजर आएगा। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 18 मार्च को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 44,280 रुपए दर्ज किया गया, वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 45,280 रुपए दर्ज किया गया। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 67,700 रुपए दर्ज किया गया। वहीं अगर हम राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत देखें तो 93.52 रुपए प्रति लीटर, वहीं डीजल की कीमत 86.32 रुपए प्रति लीटर दर्ज की गई। बिहार लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षा टली लगातार दूसरी बार। बिहार लोक सेवा आयोग ने प्रोजेक्ट मैनेजर की प्री परीक्षा को एक बार फिर और स्थगित कर दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप 5 अप्रैल 2021 को होने वाली यह परीक्षा 11 अप्रैल को होने वाली है। आयोग ने इस बात की नोटिफिकेशन जारी कर दी है और बताया है कि परीक्षा अपरिहार्य कारणों से टाली जा रही है। परीक्षा का आयोजन पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और गया में आयोजित होने वाला है, जिसके समय दोपहर 12 बजे से होने वाला है और जो कि 2:15 तक जारी रहेगा। अभ्यर्थी परीक्षा से संबंधित अधिक जानकारी के लिए बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट bps.bis.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। अभ्यर्थी अपने एडमिट कार्ड आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर पाएंगे। इसके एडमिट कार्ड डाक के जरिए नहीं भेजे जाएंगे। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है शंकर मुखिया, सल्की न्यूज, लक्ष्मी शर्मा, ललित कुमार, नंदन चंद्रवंश, ब्यूटी वीडियो बॉक्स, अंजलि कुशवाहा, राकेश कुमार, रिया सिंह, धनंजय कुमार, भविष्य कुमार, पुष्कर चौधरी, साहिल कुमार, अजीमा फिरदौस, चंदन कुमार, प्रियंका कुमारी, रंजीत तुरी, अमित राज, पंकज कुमार, रामू पासवान। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार कोरोना के रोकथाम के लिए बिहार स्वास्थ्य विभाग सही से काम कर रही है या नहीं? अपने जवाब में कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप वीडियो हमारा यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, और अगर आप वीडियो हमारा फेसबुक पर देख रहे तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।